जीके 24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिल्पा शर्मा। आपको दादी के समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर रियासी जिला में जिस प्रकार से टेररिस्ट अटैक देखने को मिला, उसी को लेकर आप देखे इस समय जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहाँ पर इस समय रमन भल्ला जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हुआ है और बड़े अफसोस की बात है कि जो भाजपा सत्ताधारी पार्टी यहाँ पर बड़े बड़े दावे करते हैं, ये टूरिस्ट पे पिलग्रिम हमारी रियासत की इकोनॉमी जो है वो कंडीशन जो है वो पिलग्रिम में डिपेंड करती है। कई बार से लगातार ये दूसरा अटैक टूरिस्ट पे यहाँ पे हुआ जो पिलग्रिम के तौर पे यहाँ पे आए थे, और आज गर्मी की छुट्टी यहाँ पे हैं, पीक सीजन है, लोग माता वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं। सिक्योरिटी ग्रेड बिल्कुल फेल होकर आ गया, कहीं पे कोऑर्डिनेशन नहीं, ये चिंता का विषय है। जो जाने यहाँ पे गई, हम उन परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं जो जख्मी हैं, और दुआ करते हैं कि बड़ी जोर पे वो जल्दी ठीक हो पाएँ। जिनको बाहर भी भेजने की ज़रूरत है, फर्स्ट क्लास उनका इलाज हो पाए, प्रॉपर तौर पे उनको कंपनसेट किया जाए रिलीफ के तौर पे भी, लेकिन आज ज़रूरत है इस समय की पुकार की कि दावा करने वाली पार्टियाँ उनके सारे दावे खोखले जहाँ पे साबित यहाँ पे हुए हैं। आंदा आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है, तो यह क्या भक्तजन के रूप में जो भक्तजन के रूप में यहाँ पे आते हैं उनको डिमोरलाइज करने की वारदात है? तो मैं समझता हूँ आज सत्ताधारी पार्टी जवाब दे है जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से जो भक्तजन के रूप में यहाँ पे आते हैं, क्या व्यवस्था है? कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम राशि गई है। आज मोदी साहब को जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को कि आज के भक्तजन में रूप में जो यहाँ पे आते हैं उनकी सुरक्षा का क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी ग्रेड बिल्कुल फेल होकर आएगी, कोऑर्डिनेशन लगता है कि कहीं पर यहाँ पर नहीं है, और आए दिन जो इलाका बिल्कुल सुरक्षित था कई सालों से, आज वो सारा सिस्टम डीरेल हो गया। आज चाहे आप डूडू बसंतगढ़ की बातें करें, चाहे आप शिवखोड़ी में शाहदरा शरीफ में वारदातें देखने को जहाँ पे आई, और आज भी मैं समझता हूँ कि आज जो दिल दहलाने वाली जो वारदात है, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि फौरी तौर पे पाक टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए आज की सत्ताधारी पार्टी जवाब दे कि वो क्या बंदोबस्त करने के लिए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोग उन परिवार वालों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और मांग करते हैं कि जो जख्मी है वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए। विधानसभा के चुनाव होने, क्या लगता है आपको कि ये माहौल कंड्यूसिव रहेगा? मैं समझता हूँ कि आज भाजपा जवाब दे है कि अब असेंबली के चुनाव की घोषणा होने वाली है, और उस वक्त ऐसे वारदात कर रहे हैं, और उस वक्त जितने भी विपक्षी नेता हैं उनकी तो सुरक्षा इन्होंने विड्रा कर ही लिया, अपने चाहतों को सुरक्षा पूरी प्रदान किया, और उस समय इस ढंग की वारदात होना कहीं ना कहीं उन ताकतों को भी डिमोरलाइज करने की वारदात है। मैं समझता हूँ आज की सुरक्षा एजेंसियां सब पे सवाल उठता है कि वो क्या पुख्ता बंदोबस्त कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। आंकड़े तो हम बहुत सुनते हैं, 20 मिलिटेंट हैं, 30 मिलिटेंट हैं, हमें आंकड़ों को क्या करना है? हमें फौरी तौर पे फ्लश आउट टेररिज्म जम्मू कश्मीर में चाहिए ताकि टेररिज्म का खात्मा हो सके। हम सरकारों के साथ है टेररिज्म को खत्म करने के लिए। आपके बैनर पर लिखा गया है कि गवर्नमेंट फेल टू स्टॉप टेररिज्म, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों एक सरपंच भाजपा का मारा गया, उसके पास भी जो टूरिस्ट थे उन पर अटैक हुआ, आज ये टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पे थे। पहली मरतबा जब इतनी गर्मी में छुट्टी है, पूरे हिंदुस्तान के लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जो वहाँ पे आता है वो शिवखोड़ी में आता है, तो इनडायरेक्टली भक्तजन के रूप में जो आए उनको डिमोरलाइज करने की वारदात मैं समझता हूँ यहाँ पे हुई है। सरकार सुरक्षा पूरी सुनिश्चित यहाँ पे करे ताकि जो भी भक्तजन के रूप में आए कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो पे। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी है और इलेक्शन का दौर यहाँ पर जारी है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा क्या है सरकार उसकी जवाबदेही है, और सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। 31 मई 2022 को भी इसी प्रकार से जो है वो अटैक देखने को मिला था। भाजपा जो दावे करती थी कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, आज लगता है उनके दावे खोखले यहाँ पे साबित यहाँ पे हुए। जम्मू कश्मीर की जनता में बड़ा गुस्सा है, और आज के इस दौर पे अभी तो हम सिर्फ उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो जख्मी हैं,
फौरी तौर पे वो ठीक हो जाएं, रिकवरी उनकी जल्दी हो जाए और प्रॉपर तौर पे कंपनसेट उन परिवारों को किया जाए जिनकी जानें यहाँ पे गई हैं। अब्दुल्ला ने सवाल किया है सर कि टेरर रिवाइवल उस जगह पर हुआ है जहाँ पर एक वक्त खत्म हो चुका था। साफ तौर पर आपने सुना, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जो है, सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, बैनर की हम बात करें तो बैनर पे ये साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी यानी कि टेररिज्म को जो है वो समाप्त करने में कहीं ना कहीं जो है वो विफल रही है, साफ तौर पर इनके बैनर पर लिखा गया है। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि रियासत जिला में जो टेररिस्ट अटैक देखने को मिला, 9 लोगों की जान गई है, 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उन श्रद्धालुओं ने जो शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए गए थे और वापस लौट रहे थे, कटरा लौट रहे थे और वहीं पर कंडा मोड़ पर ये हादसा, ये आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला जिसने 9 लोगों की जान चली गई। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है साफ तौर पर आप सुन चुके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।